नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कविता कौशिक की जो खास दोस्त बन गई हैं घर के अंदर, यानी कि निक्की तंबोली जो कि बहुत ज्यादा बोलती हैं, उनका झगड़ा हो गया है एजाज खान के साथ। क्या है ये दिलचस्प किस्सा, सुनिए ध्यान से। हम सबको पता है दोस्तों कि एजाज खान और कविता कौशिक की फूटी आंख नहीं सुहाती हैं, और ऐसे में निक्की तंबोली ने अपना सारा जो ग्रुप है वो चेंज कर दिया है कविता कौशिक और इन लोगों की तरफ, अभिनव रुबीना इन लोगों की तरफ थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की है। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर एजाज खान किचन एरिया में है, बर्तन कर रहे हैं और कहते हैं कि निक्की तंबोली के बर्तन है, वो नहीं करेगी, भूखे थोड़े ना मरेंगे हम कैसे करें, मैं कर देता हूं करके वो कर रहे हैं। और यहां पर अभिनव जो है वो समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद निक्की तंबोली और एजाज का जो बजता है ना दोस्तों, बाप रे बाप। एजाज खान बोलते हैं कि तू पहले जान तेरा चेला था और अब तूने एक और चेली रख ली है जो कि तेरा मेकअप करे, खाना लाए, ये करे, वो करे, बहुत सारी बातें यहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं। जहां पर निक्की तंबोली भी एजाज खान पर विक्टिम कार्ड खेलने की सबसे बड़ी बात करती है, खेल लो विक्टिम कार्ड खेल लो, फिर उसके बाद जो है बोलना कि मेरा कंधा दर्द हो गया, मेरा ये दर्द हो गया, मेरा वो दर्द हो गया। सो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो ये अब बड़ा ही भयंकर टारगेट हो रहे हैं, मतलब कि अगर देखा जाए अब खेल में बड़ा ही ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं, क्योंकि एजाज खान जो है वो अब सीधा यहाँ पे निक्की को टारगेट करके कहीं ना कहीं कविता तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान बार बार यही बात, नाम ना लेकर यही बात कह रहे हैं कि चेली रख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, फलान कर लिया, ढिमकाना कर लिया। सो दोस्तों आपको क्या है कहना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से गेम चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास मुझे बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, मुझे इजाजत दीजिए।